करीबन 5-6 साल से इनको परेशान किया जा रहा था, मारपीट किए जा रही थी, तो घर से निकाल दिया जा, तो हमने कई बार पंच उपयोग करके तो सुलझावन नामा नहीं हुआ, तो इसका दोनों को मैंने कोर्ट में जान चल मुचल गाड़ी चल रही है, और इन्होंने हमसे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी बेटी को सकाए जान से मार दूंगा। चारों ने पति कौशलेंद्र, देवर अधिकारी शैलेंद्र और पिता अधिकारी निरंजन सिंह और सास केशव, ये चारों ने मिलकर मारी है मेरी बेटी। आज क्या पता चला आपको? आज पता ऐसे चला कि उन्होंने जो इनके जेठ के लड़के ने फोन किया था, तुम ऐसे ऐसे सीमा की तबीयत खराब है, तुम वहाँ आ जाओ, जो कि एक दिन पहले कोर्ट में मुझसे मिली है, वकीलों के कहने पर मुझसे कोई राजी को अटका के राजी खुशी ली है। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई क्या बात है कि नहीं तुम यहाँ आ जाओ, मैंने कि फिर मैंने कॉल किया तुम्हारा लौट के ना ही, मैंने कि हकीकत बात को बताओ कि आपकी बेटी खत्म हो चुकी है। कौशलेंद्र जाट उम्र 30 साल के द्वारा फांसी लगाकर मृत होने की सूचना मिली थी, जिस पर उसके परिजनों को सूचित किया गया, परिजन मौके पर आए, घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। परिजनों में उनके पिताजी ने उसके पति देवर व अन्य परिजनों पर मारपीट कर फांसी लगाकर मारने का बाबत रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।